आरोग्यम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्यम में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा साह। नेहा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नेहा जी। स्किन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, अक्सर हम लोगों का ध्यान उस पर तब तक नहीं जाता जब तक वो सीवियर न हो जाए, चाहे मामूली खुजली हो या रैशेस हो। जब तक ये सारी चीजें गंभीर रूप धारण नहीं कर लेती तब तक हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा एकदम कि हम लोग त्वचा की बीमारियों को अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं और जल्दी नहीं दिखाते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर हम समय से काम कर लें तो हमारा समय, वक्त और ज्यादा दवा खाने से भी हम बच जाएंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप या दाद हो या मुहासे हो या खुजली हो, उसको ये सोच के कि ये खुजली हो रही है ठीक हो जाएगा या दादी तो है, उस पर अपने मन से मेडिसिन की दुकान से खुद से क्रीम लेके ना लगाएं, त्वचा स्पेशलिस्ट से मिले और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर आप अपना स्वयं इलाज करते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, तो कभी कभी चीजें बिगड़ जाती हैं और फिर हम लोग को ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। जी, देखते हैं हमारे श्रोता क्या आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये पहली कॉल। हेलो, हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? नमस्कार मैम, मैं परवेज अहमद सुकुलपुरा से बोल रहा हूँ। जी परवेज जी, आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा साह। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि डॉक्टर साहब से जी, कि ये जो बच्चों को पिंपल जो आ जा रहा है ये क्या प्रॉब्लम है? एक्ने, पिंपल्स या मुहासे के बारे में बात करते हैं। ये जनरली एडोलेसेंट एज में, मतलब 11 से 17 साल या 11 से 20 साल के बच्चों में ज्यादा होता है, उसके बाद भी आजकल होता है। इन जो 11 से 20 साल के बीच में होता है, वो जो आपके त्वचा में जो ग्रंथियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिनको हम लोग सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, और उसमें ऑक्लूजन हो जाता है, वो किसी तरह से बंद हो जाती हैं और उसमें बैक्टीरिया, गंदगी भर जाती है जो कि मुहासे के रूप में दिखती है। जैसे ही आपको मुहासे दिखने शुरू हों, शुरू में ही आप किसी ट्रस्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट से या स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, खुद ही उसका इलाज न करें। मुहासों को हाथ से फोड़े एकदम नहीं, उससे वो गड्ढे बन जाएंगे जिनका इलाज करना और मुश्किल होता जाएगा। और बच्चों को बोलने कि वो खूब पानी पिए, हरी साग सब्जी ज्यादा खाएं, जंक कम खाएं। आजकल बाहर तेलीय पदार्थ खाने से, बाहर के खाने खाने से भी ये बहुत बढ़ता जा रहा है। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं शेख अनवर अली कुसुमा चितारा मार्टिनगंज आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बताएं क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा साह। मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ, ये सफेद दाग जो होता है वो भी तो त्वचा रोग में ही आता होगा। जी जी, तो अगर बहुत ज्यादा फैल गया है हाँ, तो उसको मतलब अच्छे होने की संभावना रहती है या नहीं? जी आजकल बहुत अच्छी शुरुआती दौर में छोटे छोटे दो एक जगह तीन जगह हो तभी इलाज कर लिया जाए तब ठीक होगा। जी, विटिलिको या सफेद दाग एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में त्रुटि आने से होता है। जब ये छोटे छोटे हों तब इलाज कराना सबसे अच्छा है, क्योंकि छोटे छोटे का ठीक होना ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है। लेकिन आजकल बहुत तरह की नई दवाएं और नए उपचार आ गए हैं जिससे कि एक तो उसका बढ़ना रोका जा सकता है, और अगर वो काफी बढ़ गया है तो भी उसको एक काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। जी जी, एलोपैथिक में इलाज इसका है या होम्योपैथिक या यूनानी? एलोपैथी में भी इसका इलाज है, हम लोग तो एलोपैथी का इलाज ही देते हैं, और उसमें छोटे तो अक्सर 100% ठीक हो जाते हैं और बड़े वाले भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, नमस्कार मैम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ जिला आजमगढ़ से। जी, ग्राम देवरिया पोस्ट आहार बाजितपुर तारकनाथ गिरी। बताइए क्या प्रश्न है आपका? आज आरोग्य में हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा साह। तो त्वचा रोग से संबंधित आपका जो प्रश्न है आप वो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नाक है ना, उसके बगल में दाना दाना टाइप का हो जाता है, तो इसका क्या उपाय करें? जी इसके लिए हम लोग कुछ एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट देते हैं जिससे कि वो कम हो जाता है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि दाना किस प्रकार का है। अगर दाने से कोई सफेद या काला पदार्थ इस तरह का निकल रहा है
तो उसका अलग इलाज है। अगर दाना मोटा मोटा है जिसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, कुछ निकल नहीं रहा है, तो उसका इलाज अलग तरह से होता है। खान पान क्या करें इससे, मतलब खान पान में भी कोई ध्यान रखना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा? अगर सिर्फ नाक के बगल में हो रहा है तो फिर एक बार पहले देखना पड़ेगा कि वो है क्या। पहले देखना पड़ेगा कि दाने किस प्रकार के हैं, नाक के बगल में ही सिर्फ है कि चेहरे पे भी है। अगर एक्ने होगा तो उसका, या मुहासे होंगे तो उसका अलग इलाज होता है। अगर सिर्फ नाक के पास है तो कभी कभी तो इम्पेटिगो जैसा भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट देते हैं। देखिए, नाक के बगल वाले दाने पहले हमें देखने पड़ेंगे कि वो किस प्रकार के हैं। सिर्फ नाक पे हो रहे हैं कि गालों पर भी हैं? नहीं, नाक के मतलब गाल और नाक के बीच में समझ लीजिए, जी बगल में ही। हाँ, तो वो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। एक बार अपने आस पास किसी स्किन स्पेशलिस्ट से आप मिल लें, जो कि देख के ये समझ पाएंगे कि वो किस कारण से है, और उसके लिए मलहम दे देंगे जिससे कि वो 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, घरेलू उपाय कोई है? घरेलू उपाय इसके लिए नहीं है। अच्छा अच्छा मैम, ठीक है, ठीक मैम, धन्यवाद। और मैम एक कोई क्रीम उरीम अगर हो तो बता देते तो बढ़िया। बिना देखिए इसके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको ज्यादा परेशानी है पारस जी, तो अपने निकटतम जो भी त्वचा रोग विशेषज्ञ होंगे या जिस डॉक्टर से आप सलाह ले रहे होंगे, उन्हें एक बार दिखा जरूर दीजिए। ठीक मैम, ठीक, धन्यवाद। हेलो, कार्यक्रम है आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? और नारायण लाल बोल रहे हैं, जमरियापुर जमुआ बाजार के पास। बताइए क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा साह। दरअसल ये कमर के नीचे जो है, मतलब कि उसे, हम तो शुगर के भी मरीज हैं, थोड़ा हार्ट के भी मरीज हैं, तो उसका हार्ट का एंजियोग्राफी कराए थे। उसके बाद से ये जो है हमारा कमर के नीचे ऐसे ही दाद वगैरह कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ही खजुलाहट केवल होता है। उसमें आप किसी प्रकार की क्रीम लगा चुके हैं जी? किसी प्रकार का मलहम उस पर आप लगा चुके हैं क्या? हाँ, दिखाए थे वही जो कुछ दिए थे, लेकिन उसका जो है डॉक्टर टिकिया जैसा खाने के लिए और लोशन था लगाने के लिए, तो अब इसके बाद जो है अभी मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, दाद हाट रहती है, जलन होता है, खजुलाहट कर लेते हैं तो जलन होती है। कोई दाद, कोई लाल जुलपुत्ती जैसा निशान कुछ नहीं है? अच्छा, ऐसे ही खजुलाता है। तो कभी कभी शुगर वाले मरीजों को दवा की वजह से भी ऐसा होता है, तो आप एक बार पुनः किसी को दिखा लें। उसके लिए कुछ हम लोग एंटी एलर्जिक और कुछ दवा देते हैं। पुनः किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को, और जब तक आप नहीं दिखा रहे तब तक कि आप रोज सुबह शाम नहाने के बाद नारियल का तेल लगाइए या कोई मॉइस्चराइजर अवश्य लगाएं। इससे आपकी खुजली में थोड़ा आराम मिल जाएगा, और जब भी किसी को भी दिखाने जाएंगे तो अपना समस्त पर्चा और दवाइयाँ लेके जाइएगा। अच्छा अच्छा, नारियल का तेल लगा देने से मतलब ठीक रहेगा? नारियल का तेल सबसे अच्छा रहता है खुजली में। आप उसको 2-4 दिन लगा के देखिए, अगर उससे आराम न मिले तो आप मिलिए किसी से। एक बार हम गए थे तो वो भी इसी तरह से जो है एक लोशन दिए थे लगाने के लिए, और दो फिट किया सुबह शाम खाने के जी। अगर वो लोशन आपके पास अभी भी हो तो वही लगा लीजिए, नहाने के बाद लगाइएगा तुरंत बाद। हाँ, नहाने के तुरंत बाद लगाइएगा, 3 मिनट के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं ग्राम रामेश्वर, पोस्ट रामेश्वर, जिला वाराणसी से बोल रहा हूँ, राजू विश्वकर्मा। राजू जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा साह। मैं पूछ रहा हूँ कि जो है कि थोड़ा इस मौसम में जो है कि क्या खान पान कैसा रहे हमारा, जैसे कि हमारी त्वचा जो कि शुष्क बना रहे हैं जी। जैसे कि हमेशा सभी लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि खाना मौसम के हिसाब से करना चाहिए। इस मौसम में जो फल सब्जी ताजी आपको मिल रही है आप उसी का सेवन करें, पानी ज्यादा पिए, और क्योंकि अब धीमे धीमे गर्मी के मौसम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो सनस्क्रीन का उपयोग जरूर करें। घर से निकलने के पहले, नहाने के बाद सनस्क्रीन अपने चेहरे पे और खुले भागों पे जरूर लगाएं, जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज से आपके शरीर को बचाएगा और स्किन पे पिगमेंटेशन और डैमेज नहीं होने देगा। अभी जो है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, धूप भी ज्यादा आएगा, जो है कि वो सब झुलसने की संभावना रहेगी जी। उसीलिए हमने आपको कहा कि जब आप धूप में जाएं तो सनस्क्रीन लगा के जाएं, उसके बाद भी चेहरा कवर करके और आंखों में चश्मा लगाने काला,
जिससे धूप से आपका चेहरा खराब ना हो। सनस्क्रीन लगाना बहुत आवश्यक है, सिर्फ गर्मी में ही नहीं, सभी सीजन्स में, सभी मौसम में, साल भर, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा, चाहे गर्मी, आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अगर आप नॉर्मल सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो हर 3 घंटे पे धूप के समय 9 से 4 के बीच में हर 3 घंटे में उसको पुनः लगाएं। और अगर आप ज्यादा SPF की सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो वो एक बार लगाने से भी काम चलता है, 8 घंटे तक काम करती है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम। नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आराधना से। आराधना जी बोल रही हैं? जी। कहाँ से बोल रही हैं? रामकटोरा से। रामकटोरा से आराधना जी, आपने आरोग्यम में कॉल लगाई है और आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा साह। तो बताइए क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि अक्सर मेरे अचानक ही मेरे शरीर में छोटे छोटे दाने निकलते हैं और फिर वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, जैसे लगता है उसमें पानी भरा है, फिर बहुत ज्यादा इचिंग होती है और फिर कोई एलर्जी की टैबलेट खाते हैं तो ठीक हो जाता है। ये कितने महीनों से हो रहा है आपको? ये अभी 6-7 साल से हो रहा है, लेकिन दवा करते ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। देखिए, इसको जुलपुत्ती या क्रोनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया कहते हैं। इसके लिए हम लोग एलर्जी की दवा शुरू तो करते हैं पर धीमे धीमे करके बंद करते हैं। अगर आपने आज एक गोली खाई और फिर ठीक हो गया, फिर कल, ऐसे इसकी दवा नहीं होती है। लगातार कुछ दिनों तक इसको खानी पड़ती है, फिर धीमे धीमे करके हम लोग इसको बंद करते हैं। कुछ जांचें भी करानी होती है जिससे ये हम जान सकें कि किस वजह से हो रहा है। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप या तो आके हमसे मिल लें या तो अपने निकट में किसी स्किन स्पेशलिस्ट को एक बार जरूर दिखा लें। सिर्फ एलर्जी की दवा न खाते रहें। ठीक हो जाएगा? हाँ, ये ठीक हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। हेलो, कार्यक्रम है आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं बोल रहा हूँ हिरमपुर से, राजेश विश्वकर्मा। राजेश जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न है कि एक बार हमको कुत्ता काट लिया था 2 साल पहले जी, और उसका निशान अभी मिटा नहीं है और वहाँ पर हमको खुजली होती है जी। अगर कुत्ता काट लिया था और निशान पड़ गया है तो उसका एकदम 100% ठीक होना मुश्किल है। आप खुजली के लिए हल्का सा नारियल का तेल सुबह शाम उस पर लगा सकते हैं या कोई मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, जिससे आपको खुजली में राहत होगी। और खुजली उसको ना करें, खुजली करने से एक साइकिल शुरू हो जाती है और आपको फिर खुजली होने लगती है। तो 2-4 दिन कंट्रोल करें, खुजली ना करें तो अपने आप वो ठीक हो जाएगी। नहीं, 2 साल हो गया मैडम। तो 2 साल से आपने उस पर खुजली नहीं की है? नहीं, दवा करा था तो ठीक हो गया है, अभी निशान नहीं मिटा है, जहाँ पर काटा था वहाँ भी खुजली होता है जी। निशान नहीं मिट सकता उसका, जो घाव एक बार पड़ गया है उसका निशान ठीक करना 100% मुमकिन नहीं है। निशान तो नहीं ठीक हो सकता, उससे जो खुजली हो रही है, अगर आप 3-4-5 दिन खुजली नहीं करेंगे तो खुजली की साइकिल टूट जाएगी और खुजली आपको नहीं होगी। तब तक आप सुबह शाम नारियल का तेल उस पर लगाएंगे तो उससे आपको राहत मिलेगी। ठीक है मैडम, जानकारी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो। हाँ जी, आरोग्यम जी, कार्यक्रम है आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहड़िया जी, श्रोता दंपति अनिल कुमार गुप्ता गौंड और रमा गुप्ता। अरे नमस्ते अनिल जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा साह। डॉक्टर साहिबा को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। ऐसा डॉक्टर साहिबा कि जब मैं नहाने जाता हूँ तो अगर कपड़ा बनियान उतारता हूँ तो कुछ खुजली अगर कहीं भी शुरू होती है, अगर खुजला देते हैं तो दाना दाना टाइप का निकल जाता है, उसके बाद जब नहावा लेते हैं तो अपने आप ठीक हो जाता है। अक्सर कहीं भी अगर खुजली करता हूँ, अगर खुजलाता हूँ तो दाना दाना, चाहे पैर में, चाहे पीठ में, चाहे बाजू में हो, और वो फिर अपने आप थोड़ी देर में 1-2 घंटे में ठीक हो जाता है। और मैं डायबिटिक भी हूँ, तो आप क्या वजह है, किस लिए है? ये जुलपुत्ती या अर्टिकेरिया कहते हैं इसको, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में किसी त्रुटि आने की वजह से या चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। इसके लिए अभी जो घर पे आप कर सकते हैं वो ये कि नहाने के तुरंत बाद और एक बार रात में नारियल का तेल या कोई भी मॉइस्चराइजर अपने पूरे शरीर पे लगाएं सुबह शाम, नहाने के 3 मिनट के अंदर लगाइए ताकि आपके जो शरीर की नमी है वो मॉइस्चराइजर उसमें कैद कर ले, उससे आपको खुजली में काफी आराम मिलेगा। अगर इसके बाद भी 8-10 दिन में आपको आराम नहीं मिलता है तो अपने निकटतम डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लें, जो कि कुछ दवाएं आपको देंगे जिसको धीमे धीमे बंद करनी होगी और 1.5-2 महीने में आपको आराम हो जाएगा। मतलब ये
कोई एलर्जिकल डायबिटिक भी मैं हूँ तो इसकी वजह से नहीं ना है? डायबिटीज की वजह से हो सकता है, लेकिन इस बीमारी का नाम जुलपुत्ती या अर्टिकेरिया है। अच्छा जी जी, तो ये चिकित्सक से मिल के राय लें। जी ठीक, तब तक आप नारियल का तेल लगा के देखें, आराम होगा आपको। एक सवाल और था कि जैसे कि आदमी की त्वचा एक तेलीय होती है और एक जो है खुश्क होती है, तो मैं अक्सर शरीर में तेल बहुत कम लगाता हूँ पूरे शरीर में जी, तो इसकी वजह से कुछ परेशानी। और एक चीज ये बताइए कि आदमी को साबुन जब नहाने जाता है तो कितने दिनों तक साबुन का इस्तेमाल लगातार करना चाहिए या कुछ गैप करके करना चाहिए नहाते समय? त्वचा आमतौर पे दो तरह की होती है, या तो ऑयली या तो ड्राई। एक नॉर्मल स्किन भी होती है जिसको हम या तो ऑयली कह सकते हैं ना तो ड्राई भी कह सकते हैं। लेकिन कोई किसी भी तरह की त्वचा हो, आपको मॉइस्चराइजर की आवश्यकता सब त्वचा में पड़ती है। अगर आपकी स्किन बहुत तेलीय है तो भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, और बहुत सूखी है तो ज्यादा लगाना चाहिए। मॉइस्चराइजर लगाने का सही समय है नहाने के तीन मिनट के अंदर, जब आपके त्वचा में नमी हो, ताकि मॉइस्चराइजर उस नमी को ब्लॉक कर ले और उसको बाहर न जाने दे, और एक बार रात में सोने से पहले। दूसरा प्रश्न आपका था कि कितनी बार कितना साबुन लगाना चाहिए। तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है और जो आर्मपिट्स है उसमें तो आपको रोज साबुन लगाना चाहिए, बाकी जो बॉडी एरिया है उसमें आप हफ्ते में 3 बार भी लगाएंगे तो काम चलेगा। मतलब जो जहाँ पसीना होता है ज्यादा, जहाँ ये डर लगा रहे कि काच मार सकता है जी, तो वहाँ जो है नियमित रूप से लगाना चाहिए जी, और बाकी जगह आप हफ्ते में 3 बार भी लगा सकते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद और प्रणाम। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हम सर कादीपुर से बोल रहे हैं, धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? त्वचा रोग से संबंधित है कि हमारे गोड़ में जो है डायमेंशन टाइप का है, जो काला काला हो रहा है, और चेहरे पर जो है काला काला होता है, और पीठ में जो है कि दाना दाना निकलता है। आपकी उम्र क्या होगी? 45 वर्ष जी। तो इस एज में झाई हो सकता है आपको शुरू हो रही हो चेहरे पे। क्या आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई और बीमारी है? किसी दवा खाते हैं आपको? नहीं नहीं, शुगर उगर ना। तो त्वचा पे जो कालापन हो रहा है वो ज्यादातर धूप की वजह से होता है। जब भी आप धूप में जाएं तो अपना चेहरा कवर करके जाएं और सनस्क्रीन लगाए बिना ना निकले। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए आपको पहले तो सनस्क्रीन लगाना शुरू करना पड़ेगा। पीठ में भी जो लाल लाल निकलता है, दाना सफेद सफेद लाल, वो रहता है कि थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है? नहीं, वो रहता है, जैसे वो इल्ला टाइप का हो जाता है। अगर इल्ला हो जाता है तो इल्ला तो निकालना पड़ता है, इल्ला का कोई दवा से इलाज नहीं होता। जो आपको सुन के समझ में आ रहा है कि आपको सिबोरिक केराटोसिस होगा, काला काला छोटा छोटा धब्बा होगा, उसको निकालना पड़ता है। अच्छा, तो उसको निकलवाना पड़ता है? जी, उसको निकलवाना पड़ता है। ठीक सर, नमस्ते। नमस्ते नेहा जी, जैसा कि होली का त्योहार हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और उस उमंग में, उल्लास में लोग ये भूल जाते हैं कि जो केमिकल युक्त रंग है वो हमारी जो त्वचा है उसको कितनी हानि पहुंचा सकते हैं। ये बात तो सच है कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें हर्बल कलर लगाने की, तो हम लोग कुछ न कुछ, कोई न कोई हमें लगा ही देता है, और फिर हम लोग परेशान होते हैं। पहले तो उसको छुड़ाएं कैसे, फिर उससे स्किन ड्राई होने लगती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप रंग खेलने जाने से पहले करें, जिससे कि आपको कम नुकसान पहुंचेगा। पहले तो अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज जरूर करें, सुबह शाम स्किन में मॉइस्चराइजर लगाएं, जिसका स्किन का बैरियर रिपेयर हो सके और आपकी स्किन एकदम मॉइस्चराइज रहे। होली खेलने जाने से पहले तो चेहरे पे और सभी बॉडी पार्ट्स पे अच्छे से मॉइस्चराइजर या तेल लगाएं। बालों पे भी नारियल का तेल लगाएं, जिससे रंग और बाल के बीच में प्रोटेक्टिव बैरियर हो, जिससे कि रंग आपके बालों को डैमेज ना कर सके। सनस्क्रीन लगा के ही खेलने जाएं। सनस्क्रीन सूरज की जो किरण होती है, जो आपकी त्वचा को हार्मफुल, त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, उससे आपको बचाता है। सभी खुले बॉडी पार्ट्स पे और चेहरे पे सनस्क्रीन अच्छी मात्रा में लगा के जाएं, और खूब सारा पानी का सेवन करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। जी, पानी पीते रहना इसलिए भी जरूरी है कि गर्मियां शुरू हो रही हैं, तो अपने शरीर को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे ये हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा होगा। नेहा जी, ये सोरायसिस क्या है, थोड़ा इस बारे में बताइए। सोरायसिस एक स्किन त्वचा की बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून है नेचर में। इसमें मोटे चकत्ते,
मोटे परतदार चकत्ते शरीर के विभिन्न भागों में आ जाते हैं, जिसमें बहुत खुजली होती है। इसके कई वैरायटी होती है। कभी कभी ये सिर्फ स्काल्प में या बालों में दिखाई देता है, और जिसको हम लोग स्काल्प सोरियासिस कहते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों को सिर्फ हाथ और पैर में भी होता है, इसको हम लोग पाल्मो प्लांटा सोरियासिस कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के इलाज पहले थे, अभी भी हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, इम्यूनो सप्रेसेंस, यूवीवी थेरेपी, ये सारे इलाज हैं। अब कुछ नई दवाएं भी आ गई हैं, जिससे कि हम सोरियासिस बहुत आसानी से हम लोग कंट्रोल किया जा सकता है। एलोपैथी में तो ऐसा इलाज नहीं है कि जिससे इससे मुक्ति पाई जाए, लेकिन इसको हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सोरियासिस के मरीजों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बॉडी हमेशा मॉइस्चराइज रहे। एक हैवी मॉइस्चराइजर उनको सुबह शाम नहाने के तुरंत बाद सभी पूरे बॉडी पार्ट्स में जरूर लगाना चाहिए 12 महीने, जब उनको सोरियासिस एक्टिव हो चाहे ना हो। तो उससे क्या होगा कि दोबारा आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, और बहुत लंबे समय तक वो सोरियासिस मुक्त रह पाएंगे। तो सोरियासिस से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, तो नेहा जी, जब हम त्वचा रोग की बात करते हैं, तो त्वचा रोग और हमारे बालों की जो समस्या है, क्या वो जुड़ी हुई है आपस में? जी, कोई भी त्वचा रोग विशेषज्ञ या डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, हेयर, नेल्स तीनों चीज देखता है। आजकल या आमतौर पर बालों की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण है हमारा खान पान। ज्यादातर जो बाल झड़ते हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से झड़ते हैं। तो जो भी बच्चे बड़े सुन रहे हैं, स्पेशली बच्चे जो स्कूल जाते हैं और आजकल जंक बहुत खाते हैं, वो मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनके बाल अभी से बहुत झड़ रहे होते हैं, और उनकी मम्मियां बोलती है इसके बाल तो बहुत अच्छे थे, बहुत काले थे, बहुत घने थे, कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका मुख्य कारण है उनका खान पान। ये कोशिश करें कि अपने बच्चों की डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करें सुबह और रात दोनों के खाने में, और उन्हें हरी साग सब्जी जरूर दें, उन्हें एक दो ग्लास दूध रोज दें, और पानी का खूब सेवन करें। जंक जो है वो हफ्ते में एक या दो बार ही खाएं, और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी डाइट का सेवन कर सकें। इसके बाद स्ट्रेस की वजह से भी बाल बहुत झड़ते हैं। इस सदी में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है जी। तो कोशिश करें कि बच्चों को योगा करने के लिए प्रेरित करें, और 10 मिनट वो प्राणायाम करें, जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल्स कम हो सके। जी नेहा जी, चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत श्रोताओं के संग सुनेंगे, प्रेम पुजारी का गाना फूलों के रंग से। जी, तो सभी के साथ ये गीत सुनते हैं और आरोग्यम कार्यक्रम को आज यहीं विराम देंगे, लेकिन